वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया, जो पूर्व में कभी नहीं था। साल 2020 में हमने कोविड-19 के साथ साथ क्या क्या सहन किया, उसका कोई उदाहरण नहीं है। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज भारत के पास दो टीके उपलब्ध हैं और उसमें न केवल अपने नागरिकों को बल्कि 100 या उससे अधिक देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। जल्द ही दो टीके और मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 135% बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो और आवंटित किया जाएगा। मई 2020 में गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। रिकवरी को बनाए रखने के लिए हमने दो और आत्मनिर्भर पैकेजों की शुरुआत की। RBI द्वारा किए गए उपायों सहित सभी पैकेजों का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान था। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीम इंडिया की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत उम्मीदों का देश बना हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो अंधेरों में भी चहचहाता है। टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि हमारे पास कैसी कैपेबिलिटी है। जो पीछे थे उन्होंने आगे निकलकर परफॉर्म किया। भारत में सबसे कम एक्टिव कोरोना केस हैं और हमारी लड़ाई जीत की तरफ है। वित्त मंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। साथ ही मुंबई से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1,00,000 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर, 65,000 करोड़ की लागत से केरल 1,100 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण होगा। दूसरी ओर चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण राज्य बंगाल में सड़क परियोजनाओं को लेकर 25,000 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-26 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से 30,000 बसें लेकर चलाया जाएगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।